दोस्तों 3 बार इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस बुक को आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नॉलेज है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है पावर ऑफ नाउ। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो इस बुक को आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों पावर ऑफ नाउ की 40 लाख से ज़्यादा बुक्स जो हैं सेल हो चुकी हैं, एंड साथ ही में ये न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक में से एक है। तो मैं कुछ ऐसे सही एंड स्टिक टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, आपके सोचने के नज़रिए को चेंज करेंगे, एंड आपकी ओवरऑल सक्सेस में वो बहुत ही काम आने वाले टिप्स हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैं अब आपको इस बुक का पूरा निचोड़ बताने वाला हूँ कि इस बुक में एग्जैक्टली दिया क्या है जो आपके लिए सही होगा। तो इस बुक में आपको ये बताया है कि पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, कि इस मोमेंट की जो कीमत है वो सबसे कीमती मोमेंट है। फॉर एग्जांपल कि ज़िंदगी बहुत ही आसान है, ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इंसान हमेशा अपने पास्ट का जो एक्सपीरियंस है कि पास्ट में उसे किसी ने बुरा बोला है, पास्ट में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या फ्यूचर में उसके साथ कुछ उसकी टेंशन है जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, पढ़ाई को लेके, या किसी और चीज़ को लेके, तो उस चीज़ की टेंशन आ जाती है। अगर आप इस मोमेंट में, अभी आप इस मोमेंट को महसूस कीजिए, इस मोमेंट में कुछ भी नहीं है, इस मोमेंट से ही आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हो, पास्ट को लेके सोच के अपने आप को परेशान कर रहे हो, एंड फ्यूचर को लेके, अपने काम को लेके, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके अपने आप को टेंशन में डाल रहे हो, अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हो। तो इस मोमेंट से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, आपके बिजनेस के, आपके पढ़ाई के, आपके जॉब के, आपके रिलेशनशिप के बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो इस मोमेंट का सही से यूज़ कीजिए। इस मोमेंट में जो आप ऐसा कौन सा स्टेप उठा सकते हो जो आपके लिए सही होगा, जो आपके जो जिस बात की आपको टेंशन है उसके लिए सही होगा, तो इस मोमेंट का सही यूज़ कीजिए। फ्यूचर के बारे में एंड पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। इस बुक में यह चीज़ बहुत सही तरीके से बताई गई है। सो दोस्तों नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है, इस मोमेंट से आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हो, एंड इस मोमेंट से आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इस मोमेंट में हूँ, मैं इस नेचर को एंजॉय भी कर सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे बोर हो जाऊँगा। तो इस मोमेंट का यूज़ आप कैसे कर रहे हो? आप सोच रहे हो कि इस मोमेंट से मैं अपनी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस ला सकता हूँ, या फिर मैं इस मोमेंट से अपनी लाइफ में मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो सब ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो, वैसे ही आपको दुनिया दिखेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस मोमेंट से, ये जो पावरफुल मोमेंट है, इसी का यूज़ करके आप अपने आप को एक नेगेटिव फील करवा रहे हो, एंड फ्यूचर में भी नेगेटिव बन रहे हो, एंड आप अपने आप को एक पॉजिटिव फील करवा रहे हो, एंड सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। सो फ्रेंड्स कुछ मोमेंट के लिए आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए और फील कीजिए कि आप इस मोमेंट में कैसा फील कर रहे हैं। कि आप गुस्सा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा फील कर रहे हैं, या पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अपनी फीलिंग को समझिए, क्या आप उस फीलिंग को चेंज कर सकते हैं, क्या आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, क्या आप उन थॉट्स को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ला सकते हैं, एंड पॉजिटिव को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कुछ नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो इस मोमेंट का आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस मोमेंट में आप कैसा फील कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो अपने आप को हमेशा ये बात कहते रहिए कि मैं इस मोमेंट में क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इस मोमेंट को चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए आप बाज़ार में जा रहे हैं, कुछ सही देख रहे हैं या फिर कुछ गलत देख रहे हैं, तो उस मोमेंट में आप अपनी थॉट को, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी डीपली बात है अगर आप इस बात को समझते हैं तो। सो फ्रेंड इस तरह की प्रॉब्लम आपको लाइफ में आती रहती है। जस्ट लाइक इस मैं वीडियो बना रहा हूँ और पीछे से गाड़ियाँ जा रही है, बाइक जा रही है, लेकिन वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम की तरह होती है, वो हमेशा स्टे नहीं करती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में हमेशा जो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी पॉजिटिविटी है, वो हमेशा नहीं रहेगी। अगर आपको पॉजिटिविटी को बैलेंस करना है तो आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव थॉट लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको नेगेटिविटी लानी है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने बगीचे में या अपने खेत में कुछ अच्छी चीज़ उगाते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको अनवांटेड मटेरियल चाहिए, कुछ ऐसे पेड़ प्लांट्स चाहिए, तो वो अपने आप ही उगाते हैं। तो लाइफ में सही चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस लाइक मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, एंड उम्मीद है आपको ये अच्छी लगे। तो सेम आपको सही चीज़ों के लिए मेहनत, एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड नेगेटिव चीज़ें आपको अपने आप लाइफ में ग्रो हो जाएंगी। सो हो सकता है दोस्तों आप मेरे को ना देखते हुए इस नेचर को एंजॉय कर रहे होंगे, तो सेम आप अपनी लाइफ में जो अपना फोकस है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना फोकस को एक सही वे में, एक सही चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपको सही रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर अपना फोकस रखोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि वेयर देयर इज़ अ फोकस एनर्जी फ्लो। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लाइन भी है कि जहाँ पर आपका फोकस होगा वहाँ पर आपकी एनर्जी फ्लो होगी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही एंड स्टिक एंड बेस्ट टिप्स मिले होंगे जो आपकी लाइफ में एक स्मॉल सा चेंज लाएंगे एंड आपको पॉजिटिव फील करवाएंगे एंड आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे। तो इसी तरह की मैं आपको और वीडियो लाना चाहता हूँ बुक से रिलेटेड, मोटिवेशन वीडियोस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके, बिजनेस ग्रोथ को लेके, MLM को लेके। तो अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अभी कभी लाइक करें। आगे आप कुछ वीडियोज़ आने वाली हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छी वीडियो होंगी जो आपकी लाइफ में छोटा सा इम्पैक्ट डालेंगी एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं किसी की लाइफ में चेंज ला रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड अपना कीमती टाइम देने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट वीक आने वाली है। तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड वन लाइफ लिव इट ब्यूटीफुली।